हाँ नमस्कार डियर, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग सर, मैं अच्छा हूँ, बढ़िया। अच्छा, आपका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है? हाँ जी सर। कितनी बार हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है? मेरा हेयर ट्रांसप्लांट दो बार हुआ है। सबसे पहले एक क्लिनिक है वहाँ पे हुआ था। अच्छा। जो कि फेल हो गया है ना। अच्छा। फिर मैंने आपके बारे में पता किया तो जो कि बहुत ही अच्छा रहा, रिजल्ट आपके सामने ही है। तो आपका पहला ट्रांसप्लांट कितने समय पहले हुआ था? सर ये हुआ था 2 साल पहले हुआ था। 2 साल पहले हुआ था, 2018 में हुआ था और ये जनवरी के साल में, मतलब जनवरी 2018 में आपका फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट हुआ, जिससे आप खुश नहीं थे? नहीं सर। तो और आप कहते हो फेल हो गया था, तो आप उसमें कारण बताएंगे, क्या कारण था फेल हो गए? सर जहाँ तक मुझे याद है ना, एनाथीसा लगने के बाद जहाँ तक मुझे होश था है ना, जो मैंने देखा वहाँ पे जितने भी थे सब टेक्नीशियन ने मेरा काम किया है ना। किसी, अभी तक मेरे को याद है कि डॉक्टर एक बार आए थे है ना, जो कि पीछे देखे देखे कि टेक्नीशियन काम कर रहे हैं, चले गए। एक बार भी उन्होंने मुझे, मतलब मुझे नहीं दिखा कि डॉक्टर ने मेरा एक्सट्रैक्शन किया हो या इम्प्लांटेशन, कुछ भी नहीं किया था। और जो हेयर लाइन डिजाइन वगैरह का काम है? नहीं, वो डॉक्टर ने किया था। हेयर लाइन डिजाइनिंग का काम डॉक्टर ने किया था, हेयर लाइन, लेकिन ग्राफ निकालने का काम टेक्नीशियन ने किया, लगाने का काम टेक्नीशियन ने किया। और जो रिजल्ट आया वो कैसा था? सर रिजल्ट तो बहुत ही बेकार था सर, मतलब बेकार किस टर्म्स में था? लाइनिंग सही नहीं थी, बाल नहीं उगे थे, अलग अलग डायरेक्शन में थे। सर गैपिंग थी जो ग्राफ्ट्स में थे, मतलब बीच बीच में बहुत जगह पे बाल नहीं आए थे, ठीक है, बाल छोटे छोटे रह गए थे। उसके बाद जो मेडिसिन उन्होंने बताया था है ना, वो मेडिसिन प्रॉपर तरीके से नहीं था कि कौन सा मेडिसिन आपको फॉलो करना है, कौन सा नहीं फॉलो करना है, तो ये सब चीजें जो। अच्छा, तो आपको लगता है उसके अंदर एक तो जो बाल लगाए गए थे उसमें सारे नहीं होंगे, गैपिंग थी, कुछ बाल पूरे बड़े ही नहीं हुए? जी जी सर। और जो मेडिसिन आपको ऑपरेशन के बाद में प्रेस्क्राइब की गई थी उसके बारे में शायद आपको डिटेल जानकारी नहीं दी गई थी, ऐसा आपका? जी 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 सर। और आपको कितने समय बाद लगा कि यार मेरा तो ट्रांसप्लांट फेल हो गया है, रिजल्ट अच्छे नहीं आए? सर मैंने कंटिन्यूस उनसे 6 to 7 month कॉल पे बात किया कि सर मेरा, मतलब ये चीज़ें अच्छी नहीं हो रही, ये चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है, तो उन्होंने मुझे बताते गए कि मतलब ये करो, कॉम करो, ये करो, वो करो है ना, लेकिन उससे कुछ भी मुझे रिजल्ट दिखाई नहीं, तो फिर बिल्कुल नहीं दिखा सर। अच्छा, फिर आपको लगा कि आपका ट्रांसप्लांट अच्छा नहीं हुआ, आप उससे संतुष्ट नहीं थे, फिर आपने और ट्रांसप्लांट करने की सोची या आपको लगा कि नहीं मेरे को तो अब कभी करवाना ही नहीं है ट्रांसप्लांट? सर भरोसा तो टूट गया था सर कि वापस किसी से कैसे करेंगे, तो सर फिर मुझे आपके बारे में पता चला सर। मेरे बारे में कैसे पता लगा? सर पहले तो मेरे को यूट्यूब के बारे से पता चला, यूट्यूब से आपके बारे में जितना भी आपने मेरे को, मतलब उसमें इतने प्रॉपर तरीके से समझाया है आपने है ना, मुझे लगा कि एक बार आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहिए, तो मैं फिर आपसे कॉन्टैक्ट किया सर। फिर मेल से कांटेक्ट करने के बाद आपको क्या लगा ऐसा कि मैं आपका सही काम करूंगा और आपके साथ पुनः धोखा नहीं होएगा? सर क्योंकि जब, मतलब मैं पहली बार आपसे विजिट करके पूछा तो आपने बोला कि हर चीज़, जो कि मेरे को पूरा प्रॉपर तरीके से गाइड किया गया कि आपका स्लिट डॉक्टर गर्ग, डॉक्टर अनिल गर्ग और डॉक्टर सीमा गर्ग करेंगे है ना, जो कि आपके असिस्टेंट ने बताया, पूरे अच्छे प्रॉपर तरीके से फॉलोअप लिया है ना, फ़ोन पे फॉलोअप लिया, मेडिसिन प्रॉपर तरीके से बताई कौन कौन सी खा के आनी है, कौन सी नहीं खानी है ना, पूरा प्रॉपर तरीके से ब्लड टेस्ट होना, ये सब चीज़ अच्छी लगी मुझे। तो आपको एक तो महत्वपूर्ण ये लगा कि आपको यूट्यूब से आपको जानकारी लगी, फिर आप हमसे मिले, फिर हमारे टेक्नीशियन से मिले और उन्होंने आपको संपूर्ण जानकारी दी और ये भी बताया कि हेयर ट्रांसप्लांट में कौन व्यक्ति क्या क्या काम करेगा। जी सर बिल्कुल, पूरा जैसे आप पूरा, जैसे आपको हेयर लाइन डिजाइन डॉक्टर ने की। जी सर बिल्कुल। स्लिट बनाने का काम डॉक्टर ने किया। फॉलिकल को निकालने का काम डॉक्टर ने किया। और सारी प्लानिंग सब डॉक्टर ने किया। और जो ग्राफ डालने का काम वो टेक्नीशियन, टेक्नीशियन। और टेक्नीशियन उनके क्या फुल टाइमर थे, टेम्परेरी थे या नए नए थे? नहीं सर, पूरे पूरे अच्छे खासे एक्सपीरियंस थे है ना, जो कि प्रॉपर तरीके से लगाए भी, प्लस आपका सर कंटिन्यू फॉलोअप भी रहा, बीच बीच में आप आके चेक भी करते रहे, उसके बाद हो जाने के बाद भी पूरा प्रॉपर तरीके से आपने मुझे समझाया भी, मेडिसिन भी समझाया, जो कि सर अच्छा लगा। तो हेयर ट्रांसप्लांट खत्म होने के बाद चार आपको मेडिसिन के बारे में और हर चीज के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया? बिल्कुल सर बिल्कुल। फिर आपका रिजल्ट कब आ गया? सर रिजल्ट ये मेरे को आया है सर 8 महीने बाद आया, जो कि मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। रिजल्ट आया वो आपको अच्छा लगा,
जितने पैसे आपको डॉक्टर साहब ने बताए थे क्या उतने लिए या उससे ज्यादा लिए उन्होंने? नहीं 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 सर, सर जितने बताया गया था एग्जैक्ट उतने ही लिए, उतने ही पैसे। जी जी बिल्कुल, जितने ग्राफ्ट बताए थे क्या डॉक्टर साहब ने उतने ही डाले? प्रॉपर पूरे उतने ही डाले, कुछ भी यहाँ पे चेकिंग काम नहीं हुआ। तो आप मेरे को ये बताएंगे, मेरे के बजाय जनता को ये बताएंगे कि जैसा आपके साथ हुआ वैसा दूसरों के साथ ना हो, इसके लिए कोई भी हेयर ट्रांसप्लांट कराने वाला व्यक्ति किन किन चीजों का ध्यान रखे जिससे आपके साथ जो हुआ वो पुनः उस किसी अन्य के साथ ना हो? मैं तो यही बताना चाहूँगा सर, सबसे पहले तो पूरा टोटल डॉक्टर के बारे में पता करें, डॉक्टर क्या क्या करते हैं, डॉक्टर मतलब पूरे नॉलेजेबल हैं कि नहीं, उनके पास हर चीज़ की प्रॉपर डिग्री विग्री है कि नहीं। उसके बाद उस क्लिनिक के बारे में पता करें कि वो जिस तरीके से फ़ोन पे या किसी भी तरीके से आपको कॉन्टेक्ट किया गया है तो वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर रहे हैं कि नहीं, है ना। फिर विजिट करें और फिर आप डॉक्टर से पूछें कि कौन क्या क्या करेगा। जी जी बिल्कुल, डॉक्टर से आके पूरा प्रॉपर तरीके से एडवाइस लें कि कौन क्या क्या करेगा। सबसे बड़ा सर जरूरी यही है मेरे मायने में। तो सर जो मेरा पहला वाला फेल हुआ था ट्रांसप्लांट, मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने कुछ भी चीज़ नॉलेज मतलब नॉलेज वॉलेज नहीं लिया, डायरेक्ट मैं विजिट कर लिया वहाँ पे। तो मैं आप सभी से इनके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जब भी आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट का प्लान करते हैं और किसी भी डॉक्टर को आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है कि उनके बारे में जानें, उनकी डिग्रियों के बारे में जानें, उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में जानें, क्लिनिक के बारे में जानें। फिर डॉक्टर से मिलके आपको स्पष्ट जानकारी लेनी है कि डॉक्टर रहेगा ही नहीं रहेगा, कौन डॉक्टर आपका हेयर ट्रांसप्लांट करेगा, जो डॉक्टर हेयर ट्रांसप्लांट करेगा उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी ट्रेनिंग कितनी है और वो हेयर ट्रांसप्लांट के प्रोसेस में क्या क्या करेगा। दोस्तों मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं कि हेयर ट्रांसप्लांट में मल्टीपल प्रोसीजर्स होते हैं जिसके अंदर डॉक्टर के अलावा जो टेक्नीशियन स्टाफ होता उसका भी महत्वपूर्ण रोल होता है और इंटरनेशनल नॉर्म्स और नेशनल नॉर्म्स के हिसाब से ये क्लियर है कि कौन व्यक्ति क्या क्या करेगा। जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है उसकी डिग्री रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, वो क्वालिफाइड होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए और वो प्लानिंग डिसीजन ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट, प्लानिंग ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट, एनेस्थीसिया, साइट क्रिएशन जिसे खड्डे बनाना बोलते हैं वो, फिर फॉलिकल का एक्सट्रैक्शन, एनेस्थीसिया, ये सारी चीजें डॉक्टर करता है। और जो खड्डे डॉक्टर के द्वारा बनाए जाते हैं जिसे हम साइट या स्लिट बोलते हैं उसके अंदर ग्राफ्ट डालने का काम टेक्नीशियन करते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण काम है, ये कम महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। क्योंकि यदि टेक्नीशियन इंटेलिजेंट नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है तो जो जड़ों को डालेंगे उन खड्डों में उनको डैमेज कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो डॉक्टर ने कितना भी अच्छा कार्य किया यदि उनका टेक्निकल स्टाफ, उनका असिस्टेंट स्टाफ अच्छा नहीं है, फुल टाइम नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है तो काम अच्छा नहीं होगा। अतः हेयर ट्रांसप्लांट आपको कराना है तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके बारे में संपूर्ण जानकारी लें और डॉक्टर से स्पष्ट रूप से पूछें कि कौन क्या क्या करेगा। जब टेक्निकल स्टाफ ग्राफ को स्लाइड सीट में डालता है तब डॉक्टर उस प्रमिसेस को, उस एटमॉस्फेयर को छोड़ नहीं सकते चाहे से उसके टेक्निकल स्टाफ कितने ही सीनियर ना हो, सीनियर हो, क्योंकि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अतः उस डॉक्टर का उस प्रमिसेस में रहना भी अत्यधिक आवश्यक है। तो थैंक यू, अच्छा लगा और आपने लोगों को ये जानकारी दी जिससे जो आपके साथ हुआ वो दूसरों के साथ ना हो। सर मैं थैंक यू, एक ही चीज़ और बोलना चाहूँगा कि सर 10 जगह क्लिनिक होने से नहीं मतलब है, क्लिनिक एक ही हो लेकिन काम अच्छा करे। और सर मैं यही चीज़ देखा था जो पहले ट्रांसप्लांट करने गया था कि इनके जगह जगह पे क्लिनिक है तो शायद ये अच्छा करते होंगे इसीलिए, लेकिन सर वही चीज़ सबसे बड़ी गलती है सर। ओहो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इन जो डॉक्टर लोग होते हैं, कई डॉक्टर होते हैं उनकी कई जगह क्लिनिक होती है
और ऐसा उनका मानना था कि वो कई जगह क्लिनिक होने के कारण बहुत बड़े डॉक्टर होंगे, बहुत फेमस डॉक्टर होंगे, बहुत अच्छे डॉक्टर होंगे, लेकिन उन्होंने पाए कि जिस डॉक्टर को उन्होंने कंसल्ट किया वो डॉक्टर तो वहां था ही नहीं, और जिसने किया वो भी नहीं था। तो जो मल्टीपल सेंटर्स चलाते हैं, कोई जरूरी नहीं है जैसा इन्होंने कहा कि वो डॉक्टर अच्छे हो नंबर वन, और वो डॉक्टर जिनके नाम से वो पूरी चेन्स ऑफ सेंटर बनी है वो ही आपका हेयर ट्रांसप्लांट करे, यह भी आवश्यक नहीं है। वो कई बार कुछ डॉक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, जूनियर डॉक्टर्स होते हैं, और कोई आवश्यक नहीं है कि वो अच्छा कार्य करे। मैंने बोला आवश्यक नहीं है, और डॉक्टर पूरा काम करे यह भी आवश्यक नहीं है। तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है कि आप जानकारी लें। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।